हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल संजीव फैंटेसी में। गाइज, आज का जो मैच है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट और धमाकेदार मैच होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स एक तरफ है चेन्नई सुपर किंग्स, दूसरी तरफ है लखनऊ सुपर जायंट्स। फ्रेंड्स यहाँ पर देखा जाए तो ये जो मैच है काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है दोनों के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ दोनों टीम्स लास्ट मैच हार करके आई है। चेन्नई हारी थी पंजाब से, लखनऊ हारी थी बेंगलोर से। फ्रेंड्स यहाँ पर देखा जाए तो लखनऊ फ्रेंड्स काफ़ी बुरी तरह से मैच को हारी थी। फ्रेंड्स अपने ही ग्राउंड पर 127 टारगेट चेस नहीं कर पाया और यहाँ पर काफ़ी बड़े अंतर से हार गया, 15-20 रन से मैच को हार गया। और वहीं पर देखा जाए तो चेन्नई फ्रेंड्स काफ़ी क्लोज हारी थी, लास्ट बॉल पर पंजाब ने चेस कर लिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखा जाए तो लखनऊ को फ्रेंड्स पलड़ा थोड़ा सा मुझे बहुत ही कम लग रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स यार अपने ग्राउंड पर 130 चेस नहीं कर पा रहा है तो क्या भाई वो कुछ करेगा। और चेन्नई फ्रेंड्स यहाँ पर अपने ग्राउंड पर तो स्ट्रांग होती है, लेकिन लास्ट में चलो क्लोज हार गई। लेकिन फ्रेंड्स लास्ट मैच में यहाँ पर चेन्नई ने इसको हराया था 12 रन से, आपको याद होगा, ठीक है। और दोस्तों देखा था जो मैच हुआ था कल का बेंगलोर लखनऊ का, फ्रेंड्स काफ़ी कंट्रोवर्शियल मैच था। वहाँ पर गंभीर और कोहली के बीच लड़ाई हो गया, काफ़ी गहमागहमी हुआ, केएल राहुल को चोट लग गया। फ्रेंड्स काफ़ी बुरी तरह से मैच फिनिश हुआ, जो किसी ने उम्मीद नहीं किया था। चलिए मैच ऐसा होता लेकिन ऐसा लड़ाई नहीं करना चाहिए, चलिए कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हम लोग इस मैच के बारे में बात करेंगे कि आपके इस मैच के लिए कौन से बेस्ट ग्रैंड लीग का पिक्स हो सकते हैं, कौन से आपके बेस्ट स्मॉली का पिक्स हो सकते हैं, कौन से आपके बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं, कौन सा आपका बेस्ट फैंटेसी टीम हो सकता है जिससे कि आप इसी ग्रैंड लीग में रैंक को ला सको। फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे इस मैच में बहुत सारे कन्फ्यूजन के बारे में। देखिए, केएल राहुल खेलेंगे नहीं खेलेंगे डाउट है। काइल मेयर्स ब्रेंट देखा था लास्ट मैच फ्लॉप हुआ था, उससे पहले भाई पूरा तहलका मचाया था, क्या वो चलेगा कि नहीं चलेगा वो डाउट है। गायकवाड़ फ्रेंड देखा था तो लगातार 4-5 मैच फ्रेंड्स 30-35-40 इस टाइप का रन बनाए, 50 नहीं बना है। डेवन कॉनवे लास्ट मैच 91 बनाया, क्या आज फिर से रन बनाएगा। अजिंक्य रहाणे को कल बैटिंग करने का मौका नहीं मिला लास्ट मैच में, क्या आज बैटिंग करने का मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स बहुत सारा डाउट्स है। शिवम दुबे जो कि हमेशा रन्स करते आ रहे हैं लगातार, क्या फिर से रन्स करके देगा, तो बहुत सारा डाउट्स है। बट फ्रेंड्स कोई नहीं, आपका डाउट मैं करूंगा क्लियर, बताऊंगा कि किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है, कौन ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट है, कौन स्मॉली के लिए बेस्ट है, कौन कैप्टन के लिए बेस्ट है, कौन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट है। फ्रेंड्स सब कुछ बताऊंगा, बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है। और फ्रेंड्स आप लोगों के लिए इस वीडियो में बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए 10 लाख रुपये का बहुत ही बड़ा गिव अवे रखा है। गाइस मैं एक बहुत ही आसान सवाल पूछूंगा, आपको सवाल का जवाब देना है। फ्रेंड्स मैंने सवाल वीडियो के मिडिल में या फिर एंड में कहीं पर ही पूछा है, तो वीडियो को देखना एंड तक, सवाल का जवाब देना और बिल्कुल फ्री में बिना कुछ किए 10 लाख जीतने का मौका है फ्रेंड्स, इसको मत गवाओ, ठीक है। और फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में 7 फिक्स प्लेयर्स ग्रैंड लीग का पिक करके दिया है, साथ ही 6 बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन भी दिया है, जो कि ग्रैंड लीग में ट्राई करना आपको 100% रैंक वन लाके आपको देगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस बात करें आज का मैच का, फ्रेंड्स आज का मैच है जो खेला जाएगा भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में, जो कि फ्रेंड्स लखनऊ का होम ग्राउंड है। और फ्रेंड्स आपको ये मैच खेला जाएगा दोपहर को 3:30 बजे से, ठीक है। और फ्रेंड्स बात करें पिच रिपोर्ट के बारे में, तो फ्रेंड्स मैच का सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है गाइस पिच, क्योंकि फ्रेंड्स पिच के अकॉर्डिंग ही टीम बनती है। फ्रेंड्स पिच पर डिपेंड होता है कि हमें बैट्समैन को लेना है, बॉलर्स को लेना है, फास्टर्स को लेना है, स्पिनर्स को लेना है, किसको ले किसको ड्रॉप करे, कौन ग्रैंडली के लिए बेस्ट है, कौन स्मॉली के लिए बेस्ट है, कौन कैप्टन के लिए बेस्ट है, कौन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट है। फ्रेंड्स सब कुछ डिपेंड होता है पिच पर। फ्रेंड्स को देखना ध्यान से, इसकी बिल्कुल ही मत करना। और फ्रेंड्स जो बंदा है ना पिच को समझ गया फ्रेंड्स, वो यहाँ पर 100% मैच को विन कर जाएगा, तो इसको देखना ध्यान से, इसकी बिल्कुल ही मत करना। फ्रेंड्स देखिए बात करें पिच के बारे में, तो फ्रेंड्स पिच बैलेंस पिच है। गाइस बैलेंस पिच का मतलब है कि आपको यहाँ पर बैट्समैन को भी हेल्प है, बॉलर्स को भी हेल्प है, दोनों को ठीक ठाक हेल्प है। फ्रेंड्स बात करें पिच के स्कोर ऑफ द एवरेज फर्स्ट इनिंग में 157 का है। फ्रेंड्स अगर किसी पिच का स्कोर 150-160 अगर है तो उसको बैलेंस पिच माना जाएगा। फ्रेंड्स अगर बैटिंग पिच होता तो आपको यहाँ पर 190-180 इस टाइप का स्कोर देखने को मिलता। अगर फ्रेंड्स बॉलिंग पिच होता तो आपको यहाँ पर 120 से लेकर के 140 तक का स्कोर देखने को मिलता। तो बैलेंस पिच है तो आपको 150-160 इस टाइप का स्कोर देखने को मिल सकता है आज के मैच में। फ्रेंड्स बात करें पिच का स्कोर है हाई स्कोर का, तो फ्रेंड्स 193 है। फ्रेंड्स अभी तक यहाँ पर 200 स्कोर बना ही नहीं है, यानी कि हाई 193 है और पिच का लो स्कोर जो कि 121 है। फ्रेंड्स बात करें पिच के स्कोरिंग पैटर्न का, तो फ्रेंड्स इस पिच पर अभी तक 150 से नीचे बना है 3 बार, 150 से लेकर के 169 के बीच बना है 1 बार, 169 से लेकर 189 के बीच में अभी तक 1 बार नहीं बना है, फ्रेंड्स 190 से ऊपर बना है 1 बार। तो यहाँ फ्रेंड्स देखा जाए सबसे ज्यादा कैच बना 150 से नीचे, यानी कि 3 बार। तो देखिए लास्ट मैच फ्रेंड्स लखनऊ 127 चेस नहीं कर पाया था, काफी फ्रेंड्स स्पिनर्स को हेल्प था वहां पर, अमित मिश्रा को हेल्प मिला, रवि बिश्नोई को हेल्प मिला, काफी अच्छा खासा स्पिनर्स को हेल्प था, कर्ण शर्मा को हेल्प मिला। तो चेन्नई में भी काफी अच्छे स्पिनर्स है, जडेजा है, मोइन अली है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर लखनऊ में देखा जाए तो काफी अच्छे स्पिनर्स है, रवि बिश्नोई आपका, उसके बाद में करुणाल पांडे स्पिनर्स है, तो उनको काफी अच्छा खासा हेल्प मिलेगा क्योंकि लास्ट मैच में हेल्प मिला था अच्छा खासा। तो चांस है कि फ्रेंड्स आज के मैच में 150 से लेकर के 160 तक स्कोर देखने को मिलेगा, उससे ऊपर फ्रेंड्स जाने वाला नहीं, या फिर 150 से नीचे भी रह सकता है, क्योंकि लास्ट मैच में काफी बुरी तरह से
बैट्समैन को खा गया पूरा बॉलर्स लोग, तो बहुत चांस कम है कि उतना हेल्प मिलेगा बैट्समैन को। देखिए फ्रेंड्स, बात करें अभी तक कुल्हे पर कितना मैच हुआ था फ्रेंड्स, अभी तक कुल्हे में 5 आईपीएल मैच खेला गया, जहां पर जो टीम पहले बैटिंग किया उसने जीता 3 बार, जो टीम सेकंड बैटिंग यानी कि चेस किया उसने जीता 2 बार, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर चेसिंग उतना हेल्प नहीं है। लास्ट मैच फ्रेंड्स यहाँ पर चेस नहीं कर पाया, लखनऊ 127 टारगेट को चेस नहीं कर पाया, काफी छोटा टारगेट था, चेस नहीं कर पाया। तो जो टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी पहले बैटिंग ही करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। बात करें पिच की यहाँ पर किसको कितना हेल्प है, तो फ्रेंड्स लेफ्ट आर्म फर्स्ट इनिंग में 8 विकेट मिल चुका है, सेकंड इनिंग मात्र 1 विकेट मिला है। लेफ्ट स्पिन देखा जाए फर्स्ट इनिंग में 8 विकेट, सेकंड इनिंग में 3 विकेट। राइट आर्म फास्ट देखा फर्स्ट इनिंग में 9 विकेट, सेकंड इनिंग 19 विकेट। राइट आर्म स्पिन देखा जाए फर्स्ट इनिंग में 10 विकेट, सेकंड इनिंग में 12 विकेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में फ्रेंड्स यहाँ पर राइट लेफ्ट आर्म फास्ट को हेल्प है, सेकंड इनिंग हेल्प नहीं है। लेफ्ट आर्म स्पिन को यहाँ पर फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग दोनों में यहाँ फर्स्ट इनिंग में हेल्प है, सेकंड इनिंग इसको भी हेल्प नहीं है। और राइट आर्म फास्ट देखा जाए फर्स्ट इनिंग में हेल्प नहीं है, सेकंड इनिंग में हेल्प है। राइट आर्म स्पिन देखा जाए फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों में ठीक ठाक हेल्प है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखा जाए तो राइट आर्म फास्ट को क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जो सेकंड इनिंग कोई बॉलिंग करेगी तो उसमें रखना है, और राइट लेफ्ट आर्म फास्ट को क्या करना है फर्स्ट इनिंग उसमें रखना है, लेफ्ट आर्म स्पिन को भी फर्स्ट इनिंग में ही रखना है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन वाला मैच है, क्योंकि फ्रेंड्स कौन फर्स्ट इनिंग बैटिंग करेगी, कौन सेकंड इनिंग बैटिंग करेगी, आपको पहले टॉस पे वेट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कौन सा बॉलर को लेना है, कौन सा बॉलर को ड्रॉप करना है, आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करें रिसेंट मैच ऑन दिस वेन्यू का, फ्रेंड्स जहां पर ये मैच होने वाला है वहां पर पिछले 3-4 मैच में क्या हुआ था फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे, तो हमको टीम को बनाने में काफ़ी आसानी होगी। तो फ्रेंड्स देखिए पहले मैच खेला गया था आरसीबी और यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में, जो कि कल का ही मैच था, जहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए बनाए आरसीबी ने 126 रन और उसके फ्रेंड्स एलआईसी चेस नहीं कर पाया, 108 बना पाया था। उस मैच में पेसर्स को मिला था फ्रेंड्स यहाँ पर 7 विकेट, स्पिनर का मिला था यहाँ पर 9 विकेट। दूसरा फ्रेंड्स मैच खेला गया था गुजरात टाइटन्स और यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में, जहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए बनाया गुजरात 135 और उसको लखनऊ फिर फ्रेंड्स चेस नहीं कर पाया, 128 बना पाया था। उस मैच में पेसर के फ्रेंड्स मिले थे 2-5 विकेट, स्पिनर का मिला था यहाँ पर मात्र 6 विकेट। तीसरा फ्रेंड्स मैच खेला गया था लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स बीच में, जहाँ पर लखनऊ ने पहले बनाया 159 और पंजाब चेस कर लिया 161 बना करके। उस मैच में पेसर्स के फ्रेंड्स मिले थे यहाँ पर 9 विकेट, स्पिनर का मिले थे यहाँ पर 6 विकेट। चौथा फ्रेंड्स मैच खेला गया था हैदराबाद और यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स बीच में, जहाँ पर पहले बैटिंग करते बनाया हैदराबाद ने 121 और फ्रेंड्स को यहाँ पर लखनऊ चेस कर लिया 127 बना करके। उस मैच में पेसर को मिला था यहाँ पर 4 विकेट, स्पिनर का मिला था यहाँ पर 8 विकेट। फ्रेंड्स देखिएगा तो यहाँ पर पेसर्स के मुकाबले स्पिनर्स को ठीक ठाक हेल्प है। देखिए देखा जाए यहाँ पर तो पेसर्स को 7-5-9-4 कुछ खास विकेट मिला नहीं, यहीं पर देखा जाए स्पिनर्स को 9-6-6-8 यानी काफ़ी अच्छा खासा हेल्प है। और दोस्तों लखनऊ को होम ग्राउंड फ्रेंड्स अब लखनऊ 2 बार चेस नहीं कर पाए, काफ़ी छोटा टोटल, यहाँ पर 126 चेस नहीं हुआ और 135 चेस नहीं हुआ, साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर 121 चेस कर लिया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स चांस है कि अगर चेन्नई पहले बैटिंग करती है 140 या 150 बनाती है तो फिर चेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करें हेड टू हेड का, तो फ्रेंड्स अभी तक चेन्नई और लखनऊ के बीच कुल यहाँ पर 2 मैच हुआ है, जहाँ पर 1 मैच जीता चेन्नई ने, 1 मैच जीता लखनऊ ने, फ्रेंड्स दोनों का आंकड़ा 50-50 का है। फ्रेंड्स यहाँ पर कौन टीम विन करेगी आप लोग कमेंट कीजिए, मुझे लगता है यहाँ पर चेन्नई मैच को विन कर जाएगी, ठीक है। और फ्रेंड्स बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 का, तो फ्रेंड्स हमारे केएल राहुल हो गया, काइल मेयर्स, आयुष बदोनी, मार्कस टोनिस, निकोलस पुरन, दीपक हुड्डा, कुणाल पांड्या, कृष्णप्पा गौतम, यश ठाकुर, नवीन उल हक, रवि बिश्नोई, अमित मिश्रा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखा जाए तो केएल राहुल खेलेंगे नहीं खेलेंगे डाउट मुझे लग रहा है, अगर खेलते हैं तो ठीक है, वरना फ्रेंड अगर नहीं खेलते तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर इसके लिए लखनऊ के लिए। तो यहाँ पर चांस है कि हम लोग वेट करते हैं कि कौन खेलेगा कि नहीं खेलेगा, बाकी खेलेगा नहीं खेलेंगे आपको कहाँ चलेगा पता, टेलीग्राम पर तो जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टीम का जो इस मैच जो फाइनल टीम होगा वो टेलीग्राम पर ही मिलेगा, जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। और फ्रेंड्स बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेयर स्टेट्स के बारे में, फ्रेंड्स ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म में है, किसको ले किसको ड्रॉप करे, कौन ग्रैंडली के लिए बेस्ट है, कौन स्मॉली के लिए बेस्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, कौन कैप्टन के लिए बेस्ट है, कौन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट है, फ्रेंड्स ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स अभी कहाँ मिलेगा प्लेयर स्टेट्स पर इसको देखना ध्यान से, इसकी बिल्कुल ही मत करना। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 7 फिक्स ग्रैंडली के प्लेयर्स बताया है, साथ ही 6 बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन भी बताया है, तो इसको देखना ध्यान से, इसकी बिल्कुल ही मत करना। और जो मेरा सवाल है गिवअवे का 10 लाख रुपए का, मैंने यही पूछा है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फर्स्ट हमारा केएल राहुल, जो कि फ्रेंड देखा जाए तो काफ़ी कमाल के फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन पिछला 2 मैच फ्लॉप हुए हैं, 12 बनाए 0 फ्रेंड्स, और इसी ग्राउंड पर कल खाता भी नहीं खोल पाए। लेकिन फ्रेंड्स देखा जाए हेड टू हेड रिकॉर्ड तो कमाल का रिकॉर्ड है भाई, 12 मैच खेला 4 से बनाया 55-41 के एवरेज से, और वेन्यू पर 5 मैच खेला 186 बनाया 46 के एवरेज से, तो उनका रिकॉर्ड काफ़ी बेटर है, वेन्यू पर भी अच्छा है, हेड टू भी अच्छा है। लेकिन दोस्तों ये केएल राहुल लास्ट में हो गए थे चोटिल, तो
शायद खेलेंगे नहीं खेलेंगे, चांस बहुत ही कम मुझे लग रहा है, खेलते तो वो लेना है वरना फ्रेंड्स नहीं खेलते तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट हमारा काइल मेयर्स, फ्रेंड्स मेयर्स देखा जाए तो फ्रेंड्स जब भी बैटिंग पिच होता है फ्रेंड्स काफ़ी तगड़ा बैटिंग करता है, और फ्रेंड जैसे बॉलिंग पिच आता है फ्रेंड्स से फ्लॉप होता है। मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि यार काइल मेयर्स आज चलने वाला नहीं है, फ्लॉप होगा, और फ्लॉप होते खाता भी नहीं खोल पाया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बॉलर्स को हेल्प है तो फ्रेंड्स आज ये फिर फ्लॉप होगा, इसको फ्रेंड्स टीम में नहीं रखना, इसको ड्रॉप कर देना, अब केलों को लेकर चलना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आयुष बदोनी, फ्रेंड्स देखा था ये बंदा यार आता है बैटिंग करने का, मिडिल ऑर्डर का भी ओपन आता, कुछ कोई गारंटी नहीं रहता है, और फ्रेंड्स ये भी प्लेयर ऐसा जो कि बैटिंग पिच तो चलेगा बॉलिंग पिच तो नहीं चलेगा, ठीक है। फ्रेंड्स देखा था लास्ट मैच खेला था तो फ्लॉप हुआ, 4 रन बनाया, उससे पहले बनाया 43, क्योंकि बैटिंग पिच था काफ़ी तगड़ा बैटिंग हुआ था। तो फ्रेंड्स मैं कहूँगा खेलता भी तो कोई मतलब नहीं, इसको मैं ड्रॉप कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा मार्कस टोनिस बंदा, देखिए फ्रेंड्स ये प्लेयर अच्छा है भाई, आपको बैटिंग पिच हो बॉलिंग पिच हो फ्रेंड्स आपको ये रन करके दे सकता है, आपको बॉलिंग से विकेट देगा बैटिंग से भी अच्छा पॉइंट देगा, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, मैं कहूँगा इसको ट्राई कर, मार्कस टोनिस को इनका देखा जाए तो 13-0 विकेट, 72-1 विकेट, 0-2 विकेट, 21-2 विकेट। फ्रेंड्स देखिए भले ही फ्रेंड्स अगर बैटिंग से पॉइंट्स देना था बॉलिंग से पॉइंट्स देता है, कभी बॉलिंग से देता तो बैटिंग से नहीं देता फ्रेंड्स, लेकिन पॉइंट्स आपको देगा बंदा, चाहे बैटिंग से दे बॉलिंग से, लेकिन पॉइंट्स आपको देगा। फ्रेंड्स जब बात करें इनका हेड टू हेड का तो भाई 5 मैच खेला है, 78 बनाया, 19 के एवरेज से विकेट मिला नहीं है। वेन्यू पर 5 मैच खेला है, 550 रन बनाया, 12 के एवरेज से 2 विकेट। देखिए फ्रेंड्स देखिए वेन्यू पर फ्रेंड्स रन कुछ खास किए नहीं, लेकिन फ्रेंड 2 विकेट निकाला है, और हेड टू हेड फ्रेंड्स 5 मैच खेला है, 78 बनाया, 19 के एवरेज से काफ़ी खराब रिकॉर्ड है। तो वेन्यू पर रिकॉर्ड तो ठीक ठाक है, तो अगर आयुष बदोनी और 2 मैच किसी एक को लेना फ्रेंड मार्कस टोनिस को लेकर चलूँगा, मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा निकोलस पुरन, फ्रेंड देखा जाए तो ये भी प्लेयर वैसा ही है, बैटिंग पिच तो चलेगा बॉलिंग पिच तो फ्लॉप होगा, और लास्ट मैच फ्लॉप हुआ, 9 मैच तो बनाया, और इनका देखा जाए हेड टू हेड तो काफ़ी खराब भाई, 7 मैच खेला है, 172 बनाया, 34 के एवरेज से। वेन्यू पर 5 मैच खेला है, 57 बनाया, 15 के एवरेज से, तो काफ़ी खराब रिकॉर्ड है वेन्यू पर। तो फ्रेंड्स ये ड्रॉप करना बेटर आपको, इसलिए इसको मैं ड्रॉप कर दूंगा। इसको तो फ्रेंड्स आप रखूंगा डेवन कॉनवे को, या फिर आप रख सकते हो किसी और बैट्समैन एक विकेट कीपर को, धोनी को भी रख सकते हो, बेटर ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर दीपक हुड्डा, फ्रेंड्स ये भाई लगातार फ्लॉप जा रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया, बैटिंग से पॉइंट दिया ना बॉलिंग करने का मौका मिलता नहीं है, तो इसको रखने का कोई मतलब ही नहीं है, मैं इसको हटा ही दूंगा टीम से। नेक्स्ट हमारा कृणाल पांड्या, देखिए कृणाल पांड्या फ्रेंड देखा जाए तो कल के मैच में कुछ खास नहीं कर पाया, 14 रन बनाया, ठीक ठाक चलो ठीक किया, लेकिन विकेट्स मिला नहीं। लेकिन दोस्तों जो ग्राउंड है ना फ्रेंड स्पिनर्स को शूट करता है, इनको विकेट्स भले ना मिले लेकिन फ्रेंड्स आपको आज विकेट्स निकाल के बंदा देगा, 1-2 विकेट तो निकाल के देने ही वाला, साथ ही 15-20 रन भी बनाकर दे देगा, तो अच्छा प्लेयर हो सकता है, आपको अच्छा पॉइंट देकर जा सकता है। तो कृणाल पांड्या फ्रेंड ट्राई करना, ड्रॉप इसको फ्रेंड्स नहीं करना। इनका देखा जाए हेड टू हेड में 9 मैच खेला, 139 बनाया, 17 के एवरेज से, साथ ही 7 विकेट लिया। वेन्यू पर 5 मैच खेला है, 104 बनाया, 26 के एवरेज से, और 6 विकेट लिया, तो इनका अच्छा रिकॉर्ड है वेन्यू पर भी और हेड टू भी ठीक है, तो इसको रखना ड्रॉप नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा कृष्णप्पा गौतम, जो फ्रेंड्स है कि चलो तुक्के से फ्रेंड्स कभी कभी चल जाता था, तुक्के से लास्ट में चल गया था, लेकिन फ्रेंड्स आज ये चलने वाला है नहीं, तो कृष्णा को तो मैं ड्रॉप कर दूंगा, टीम में नहीं रखूंगा। नेक्स्ट हमारा यश ठाकुर, फ्रेंड्स अभी बिल्कुल न्यू प्लेयर भाई, कल इतना अच्छा जब पिच था बॉलिंग का, तो इसको विकेट्स मिला नहीं, तो आज कहाँ से विकेट मिलेगा, तो इसको लेने कोई बात मतलब ही नहीं है। हेड टू हेड में भाई 1 मैच खेला है, विकेट मिला नहीं है। वेन्यू पर 2 मैच खेला है, 1 विकेट ही मिला है, तो क्या बंदा है, इसको मैं हटा दूंगा, टीम में नहीं रखूंगा। नेक्स्ट हमारा नवीन उलग, फ्रेंड्स बंदा 2 मैच खेला है, 6 विकेट निकाला है, काफ़ी अच्छा बॉलिंग कर रहा है लगातार, और फ्रेंड्स कल इसी को जैसे झगड़ा हुआ था, आपको पता होगा लेकिन इसी वजह से झगड़ा हुआ था कोहली और गंभीर के बीच में, तो चलो ठीक है, तो इसको फ्रेंड्स मैं तो टीम में रख लूँगा, इसको मैं ड्रॉप नहीं करूँगा। नेक्स्ट हमारा रवि बिश्नोई, फ्रेंड्स देखा जाता है यहाँ पर स्पिनर्स को हेल्प है, मैंने पहले ही बोला, तो बंदे ने कल 2 विकेट निकाला इसी ग्राउंड पर, उससे पहले ही 2 विकेट निकाला था, तो फ्रेंड्स इसको मैं टीम में रखूंगा, और बेस्ट कैप्टन का ऑप्शन भी है ग्रैंड लीग के लिए, तो इसको फ्रेंड्स रखना ड्रॉप नहीं करना है। और फिर एक और ऑप्शन है नवीन उलग और रवि बिश्नोई, फ्रेंड दोनों के लिए बेस्ट कैप्टन का ऑप्शन है ग्रैंड लीग के, या फिर मन भी ट्राई कर सकते हो, बेस्ट आपके लिए ऑप्शन है कैप्टन के लिए, ठीक है। फ्रेंड्स इनका देखा जाए हेड टू हेड में 5 मैच खेला, 6 विकेट निकाला, वेन्यू पर 5 मैच खेला, 7 विकेट निकाला, तो इसको रखना ड्रॉप नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा अमित मिश्रा, देखिए फ्रेंड्स अमित मिश्रा और रवि बिश्नोई फ्रेंड दो हमारे पास स्पिनर हो जा रहा है, तो 2 अगर यहाँ से लेंगे तो चेन्नई से 2 लेना होगा मोइन अली जडेजा को, तो 4 स्पिनर फ्रेंड्स हो जाएगा, तो हम लोग फास्टर्स कहाँ लेंगे, तो देखिए अमित मिश्रा और रवि बिश्नोई दोनों से किसी एक को हमें लेना है, तो फ्रेंड्स मैं कहूँगा आप लोग रवि बिश्नोई को, अमित मिश्रा को फ्रेंड्स ड्रॉप कर दो, क्योंकि फ्रेंड्स इनका देखा जाए हेड टू हेड में 16 मैच खेला, 13 विकेट निकाला है, हाँ वेन्यू पर ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स इनका हेड टू हेड खराब है, तो थोड़ा सा मैं कहूँगा इसको ड्रॉप कर दो, आप रवि बिश्नोई को लेकर चलो, ठीक है, लेकिन ग्रैंड लीग में चाहते हो तो इसको लेकर चल सकते हो, ठीक है। अब गाइस बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 का, तो फ्रेंड्स हमारा डेवन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, मोइन अली, अम्बती रेड्डू, रवि जडेजा, धोनी, पथिराना, तीक्षणा, तुषार देशपांडे, आकाश सिंह, आपके ये हो सकते हैं प्लेइंग 11, बाकी कुछ चेंज अगर होंगे तो आपको उसका मिल जाएगा अपडेट टेलीग्राम पर, आप जाकर के मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अब गाइस बात करें चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर्स के बारे में, तो फ्रेंड्स फर्स्ट हमारा डेवन कॉनवे जो कि फ्रेंड्स भाई कमाल के फॉर्म में चल रहा है, लगातार बनाया 450, उसके बाद यहाँ पर फ्लॉप हुए एक मैच फिर से बनाया 50, तो डेवन कॉनवे काफ़ी कमाल के फॉर्म में चल रहा है। तो फ्रेंड्स को ड्रॉप करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आपकी हो सकती है। और फ्रेंड्स का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, हेड टू हेड में एक मैच खेला 47 बनाया, वेन्यू पे खेलने का मौका मिला लेकिन दोस्तों भाई रन करेगा तो इसको रखना है। नेक्स्ट हमारा ऋतुराज गायकवाड़, फ्रेंड्स इनका देखा जाए तो 37, 47, 35, 35, 3 देखिए 30 रन, 35 रन, 40 रन लगातार बना रहे हैं और स्टार्ट भी अच्छा दे रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स स्टार्ट को बड़े पारी में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ये थोड़ा सा इनका समस्या है। इनका देखा जाए तो हेड टू हेड में 2 मैच खेला, 58 बनाए, 29 की वजह से वेन्यू में खेलने का मौका मिला है। देखिए गौनों को भी खेलने का मौका नहीं मिला, गायकवाड़ को भी खेलने का मौका मिला नहीं। और फ्रेंड्स यहाँ पर ना बॉलिंग पीछे स्पिनर्स को हेल्प है, लेकिन फ्रेंड्स गौनों को इतना खास स्पिनर्स को खेलता नहीं है, गायकवाड़ खेलता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहते हो रिस्क टेकर हो तो फ्रेंड्स कॉनवे को ड्रॉप कर दो और गायकवाड़ को लेकर चलो, ठीक है आज मैच में आपके लिए शायद कॉनवे फ्लॉप हो जाए क्योंकि स्पिनर्स को हेल्प है, बॉलिंग पिच है तो फ्लॉप हो जाए, गायकवाड़ इंडियन है तो इनको अनुभव है स्पिनर्स खेलने का, तो थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कॉनवे पर, मैं इसको गायकवाड़ लेकर चलूंगा, मैं कॉनवे को ड्रॉप कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा अजिंक्य रहाणे, गाइस रहाणे का देखा जाए तो फ्रेंड्स कल के मैच में इनको बैटिंग करने का मौका मिला नहीं, लेकिन फ्रेंड्स अगर इनको बैटिंग करने का मौका मिलेगा तो फ्रेंड्स आपको रन करके देगा, लेकिन दोस्तों इनका देखा जाए हेड टू खेलने का मौका मिला नहीं, वेन्यू में खेलने का मौका मिला नहीं है। तो देखिए ये जो पिच है ना यहाँ पर स्पिनर्स पिच है, बॉलर्स को हेल्प है, तो थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है कि रहाणे आज शायद फ्लॉप हो सकते हैं, मैं कहूँगा रहाणे को ड्रॉप कर दो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा शिवम दुबे, इनका फ्रेंड देखा जाए 28, 52, 50, 52, 8 फ्रेंड्स लगातार रन कर रहे हैं, और फ्रेंड्स को देखा जाए हेड टू हेड में 2 मैच खेला, 76 बनाए, 38 की वजह से वेन्यू पे खेलने का मौका मिला नहीं है, लेकिन दोस्तों शिवम दुबे के फ्रेंड्स क्या है कि ये स्पिनर्स काफ़ी अच्छा खेलते हैं, फास्टर को भले खेले ना खेले लेकिन फ्रेंड्स स्पिनर्स को खेलते हैं, और फ्रेंड्स यहाँ पर स्पिनर्स को हेल्प भी है, लेकिन फ्रेंड्स आपको बैटिंग करके देगा बढ़िया, तो इसको रखना गाइस ड्रॉप नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा मोइन अली, फ्रेंड्स देखा जाए तो भाई ये कभी आते हैं बैटिंग करने के लिए 4 पर, कभी आते हैं 5 पर, कभी 6 पर, कभी बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिलता है, तो एज अ बैट्समैन फ्रेंड्स मैं तो इसको रखूंगा नहीं, लेकिन फ्रेंड्स एज अ बॉलर मैं रखूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि स्पिनर्स को हेल्प है तो आपको 3-4 विकेट्स निकाल के दे सकता है मोइन अली, तो फ्रेंड्स इसको रखना है, इसको ड्रॉप नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा अम्बाती रेड्डी, फ्रेंड्स इनको तो भाई ज़्यादातर इम्पैक्ट प्लेयर में खेले हैं और कुछ खास किए भी नहीं है, तो मैं कहूँगा इसको ड्रॉप कर दो, कुछ खास फॉर्म में भी नहीं है और पिच बैटिंग के लिए उतना अच्छा भी नहीं है, बॉलिंग पिच है, तो मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा, टीम में नहीं रखूंगा। नेक्स्ट हमारा रविंद्र जडेजा, फ्रेंड देखा था भाई ये बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी अच्छा विकेट्स निकाल रहा है, लगातार फ्रेंड विकेट्स निकाल कर दिया है यहाँ पर, और वेन्यू पर रिकॉर्ड इनका खेलने का मौका मिला नहीं, वेन्यू पर हेड टू हेड में 2 मैच खेला, 20 बनाया, 10 के वजह से विकेट्स मिला नहीं, लेकिन दोस्तों यार यहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प है तो बंदा विकेट्स निकाल कर देगा, सीधे अगर चेस कर दिया चेन्नई तो फ्रेंड्स आपको रन भी करके देगा लास्ट में, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है जडेजा को ड्रॉप नहीं करना, टीम में रखना है। नेक्स्ट हमारा महेंद्र सिंह धोनी, फ्रेंड धोनी देखा जाती भी फॉर्म में है, लेकिन दोस्तों इनको बैटिंग करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा बहुत ही डाउटफुल है, तो इसको रखना लग रहा थोड़ा डाउट मुझे लग रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हो रिस्क टेकर हो तो ट्राई कर लो, कहीं टॉप ऑर्डर फ्लॉप किया जैसे कि आपने देखा लास्ट मैच में लखनऊ पूरा कोलैप्स कर गया, तो वहाँ पर आपको रन करके दे सकते हैं धोनी, तो आप लोग ट्राई करो बेस्ट ऑप्शन है, आप लोग ट्राई करना होगा तो फ्रेंड निकोलस पुरन को ड्रॉप कर देना, और कॉनवे में से कॉनवे निकोलस पुरन धोनी दोनों तीनों में से किसी एक को ले लेना, ठीक है। बाकी मैं कहूँगा ले सकते हो तो निकोलस पुरन को ड्रॉप कर दो, कॉनवे धोनी को दोनों को ले लिया, फिर क्या बोलते हैं उसका पूरा ना धोनी को ले, दोनों में से किसी तीन में से किसी दो को लो या फिर एक को लो, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कौन टीम पहले टॉस जीतेगी और ग्रैंड लीग में किसको लेना है, स्मॉल लीग किसको लेना है, तो ग्रैंड लीग में लेना धोनी को लेना है, स्मॉल लीग में निकोलस पुरन और कॉनवे को लेना है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा महेश पथिराना, फ्रेंड देखा जाए तो भाई ये विकेट्स निकाल के दे रहे हैं लेकिन फ्रेंड्स रन्स भी काफ़ी खा रहे हैं, लास्ट में विकेट मिला 1 विकेट और यहाँ पर फ्रेंड्स फास्टर को उतना खास हेल्प नहीं है, फ्रेंड्स मैं कहूँगा इसको ड्रॉप कर दो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर महेश तीक्षणा, फ्रेंड देखा जाए यहाँ पर स्पिनर्स को हेल्प है मैंने पहले ही बोला है, और फ्रेंड्स आपको ये फ्रेंड्स विकेट्स निकाल के देगा आज फिर से, तो फ्रेंड्स को ड्रॉप नहीं करना, टीम में रखना है। नेक्स्ट हमारा तुषार देशपांडे, भाई भाई ये फास्टर है, आपको मेन बॉलर है चेन्नई का, आपको हमेशा विकेट्स निकाल के दे रहा है, तो फ्रेंड्स को ड्रॉप नहीं करना, टीम में रखना है। फ्रेंड्स का हेड फुट काफ़ी अच्छा है, 2 मैच खेला, 3 विकेट निकाला, वेन्यू में खेलने का मौका मिला नहीं, बट दोस्तों ये आपको विकेट्स निकाल के देगा 100%, इसको टीम में रखना, ड्रॉप नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा आकाश सिंह, भाई इनका देखा जाए तो बिल्कुल न्यू प्लेयर है, इनको लगातार 2 मैच विकेट मिला नहीं है, तो मैं कहूँगा इसको टीम में मतलब को टीम में ड्रॉप कर दो, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, ट्रम्प पिक हो सकता है, शायद आपको विकेट्स निकाल के दे दे, तो ट्रम्प पिक है, आप लोग ट्राई कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने गिवअवे का सवाल तो पहले ही पूछ लिया है, और फ्रेंड्स जानिए आप गिवअवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना है, मैं क्वेश्चन टाइप करूंगा, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। दूसरा फ्रेंड्स क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, जाकर के मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। तीसरा फ्रेंड्स क्या करना है, जब मैंने क्वेश्चन टाइप किया उसका आंसर देना है कमेंट में, आंसर देकर उसका स्क्रीनशॉट लेना है।
तीनों स्क्रीनशॉट लेकर के फ्रेंड्स आपको शेयर करना कहाँ पर, टेलीग्राम पर। आपको टेलीग्राम का लिंक मिला डिस्क्रिप्शन में, जाइए तीनों स्क्रीनशॉट लेकर के शेयर कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। और फ्रेंड्स आपको ये कब करना है, मैच स्टार्ट होने से एक घंटा पहले, उसके बाद फ्रेंड्स कीजिएगा तो आप यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स हमने एनालाइज कर लिया, चलिए अब टीम को बनाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर टीम को बनाते हैं, तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर तीन विकेट कीपर है, डेवन कॉर्नवे, निकोलस पुरन, महेंद्र सिंह धोनी। तो फ्रेंड देखिए, और सेफ जाना था फ्रेंड्स कॉर्नवे काफ़ी फॉर्म में चल रहे थे, सेफ आपके लिए है। बाकी फ्रेंड्स मैं कहूँगा कॉर्नवे को ड्रॉप करो, फ्रेंड्स मुझे लगता है बॉलिंग पिच है तो शायद फ्लॉप हो जाए। और निकोलस पुरन जो कि लगातार दो मैच फ्लॉप हुए हैं, इसे स्पिन पिच पर भी नहीं चलेंगे, धोनी फ्रेंड्स बेस्ट रहेगा। फ्रेंड देखिए लास्ट मैच हुआ था यहाँ पर लखनऊ और बेंगलोर, जहाँ पर फ्रेंड्स लखनऊ ने चेस किया था, वहाँ फ्रेंड्स यहाँ पर लखनऊ को 9 विकेट गिर गया था। तो चांस है कि अगर चेन्नई का कोलैप्स करता है टॉप ऑर्डर और चेन्नई का 4-5 विकेट गिरता है तो धोनी फ्रेंड्स बैटिंग करने के लिए आएगा और चेस करेगी। फ्रेंड धोनी बंदा आपको रन करके दे सकता है, चेसिंग में अच्छा करके दे सकता है, तब के लिए बेस्ट है। फ्रेंड मैं कहूँगा ट्राई करो धोनी को, मैं धोनी को लेकर चलूँगा फ्रेंड्स, मैं कॉर्नवे को और निकोलस पुरन दोनों को ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। बाकी सेफ जाना है तो दोनों को ले सकते हो, धोनी को ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। आते फ्रेंड बैट्समैन है तो लोकेश और खेलने का चांस बहुत ही कम लग रहा है, शायद खेला तभी मैं लूँगा नहीं इसको, गायकोट मैं लूँगा, रहाने को मैं लूँगा नहीं, भी उतना खास चलता नहीं है। दीपक हुडा चल नहीं रहे हैं, सुयोम दुबे जो कि लूँगा मैं, बोधोनी जो कि चलेगा नहीं भी, रायडू तो कुछ खास कर नहीं रहा है तो कुछ खास प्लेयर है नहीं, तो फ्रेंड्स मैं चलूँगा दो यहाँ पर बैट्समैन, ठीक है। आते हैं ऑलराउंडर में, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जडेजा जो चल रहे हैं स्पिन पिच है, तो जडेजा होगा, मार्कस टोनिस होगा, मोइन अली होगा, कुणाल पांड्या होगा, बेन स्टोक्स तो खेलेंगे नहीं, काइल मेयर से भी खेलने का चांस खेल लेंगे, बट फ्रेंड्स ये भी थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है, लेकिन चलो यार एक हम लोग बैट्समैन लेकर चलते हैं काइल मेयर, ठीक है। हमारा हो गया 5 यहाँ पर ऑलराउंडर, ठीक है। बाकी कुछ खास है भाई नहीं, क्रिस्तापा गौतम जो कि ट्राई करना, ग्रैंडलिंग बेस्ट ऑप्शन है, स्मॉलिंग में सेफ नहीं है, बाकी कुछ खास है प्लेयर है नहीं, ठीक है। आते के बॉलर में तो मार्कुट खेलेंगे नहीं, बिश्नोई जो कि स्पिन पीछे तो अच्छा कर रहा है, बिश्नोई को लूँगा, मैं तीक्षणा को लूँगा, बाकी यहाँ पर फास्ट तुषार देशपांडे है और अमित मिश्रा है। मिश्रा ने फ्रेंड लास्ट में 2 विकेट निकाला था, अगर फ्रेंड्स मिश्रा को लेना होगा तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से ड्रॉप करना पड़ जाएगा इसको, काइल मेयर्स को, मेयर्स को ड्रॉप करेगा या सॉरी मेयर्स को ड्रॉप करेगा तो मिश्रा को ले पाओगे, वरना इसको ड्रॉप कर दोगे। चलिए मैं मिश्रा को लेकर चलता हूँ, और यहाँ पर तुषार देशपांडे हो गया, तो हमारे यहाँ पर हो गया प्लेयर, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो और भी कौन कौन है, बाकी कुछ खास है नहीं, तो यश ठाकुर जो कि कुछ खास किए नहीं है, ग्रैंड में ट्राई कर सकते हो, और महेश पथिरा जो कि यार उतना खास हेल्प नहीं है। हाँ फ्रेंड जगह देखिए, एक नवीन उल हक है, फ्रेंड नवीन उल हक को लेना था, मिस्टर ड्रॉप करो, नवीन उल हक को लो, मैंने मिस्टेक करा, चलो नवीन उल हक एक बेस्ट है, बाकी बैट्समैन आपके लिए कौर दुबे, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो, कुणाल पांड्या को ड्रॉप, मोइन अली को ड्रॉप करके राहुल को भी ले सकते हो, या फिर बोधोनी को ले सकते हो। चलो राहुल को मैं लेकर चलता हूँ, ठीक है, राहुल को मैं टीम में हो गया। चलिए बात करें टीम का, तो फ्रेंड्स ये मेरा टीम बनकर रेडी है। अब फ्रेंड्स बात करें कैप्टेंसी के लिए, तो फ्रेंड्स आपको सेफ जाना है तो गायकवाड़ बिल्कुल सेफ कैप्टेंसी का ऑप्शन है, और यहाँ पर शिवम दुबे बिल्कुल सेफ कैप्टेंसी का ऑप्शन, दोनों फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे बैटिंग कर रहे, लगातार रन्स करके दे रहे, तो बेस्ट कैप्टेंसी का ऑप्शन है, सेफ है। वाइस इसकी कैप्टेंसी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी आपके लिए धोनी हो जाएगा, जो कि फ्रेंड देखिए अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स किया चेन्नई का, तो फ्रेंड्स आपको रन्स करके बंदा दे सकता है आपको, तो धोनी बेस्ट है आपको कैप्टेंसी के लिए, रिस्की लेकिन अच्छा है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करें इसकी कैप्टेंसी की, तो फ्रेंड्स लोग ट्राई कर सकते मैच में कुणाल पांड्या को, जो कि भाई लास्ट मैच फ्लॉप हुआ था, लेकिन भाई ये स्पिन पिच है, आपको बॉलिंग से विकेट निकाल के दे सकता है, बैटिंग भी अच्छा करते हैं, तो के लिए बेस्ट है, लेकिन थोड़ा रिस्की ट्राई कर सकते हो। वाइस कैप्टेंसी सेफ का ट्राई करो, सेफ जाना है तो जडेजा बिल्कुल सेफ वाइस कैप्टेंसी का ऑप्शन है, और यहाँ पर बिश्नोई बिल्कुल सेफ वाइस कैप्टेंसी का ऑप्शन है, भाई स्पिनर से दोनों लगातार विकेट्स निकाल के दे रहे हैं, और स्पिन पिच भी है तो विकेट्स निकाल के देगा, दोनों को विकेट्स मिलेगा, तो दोनों बिल्कुल सेफ वाइस कैप्टेंसी का ऑप्शन है। रिस्की वाइस कैप्टेंसी की बात करें तो फ्रेंड ट्राई कर सकते हो, महेश तीक्षणा को, जो कि भाई अच्छा है, लेकिन फ्रेंड उन लोग को उतना खास विकेट्स मिला नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स आपको ये रिस्की है, आपको विकेट्स निकाल के 3-4 दे सकता है अगर फॉर्म में वापस आ गए तो रिस्की है, लेकिन ट्राई कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड ट्राई कर सकते हो आप लोग रिस्की में किसको, यहाँ पर केएल राहुल को। फ्रेंड्स रिस्की में क्यों करो भाई, केएल कुछ खास नहीं कर पा रहे, लगता है फ्लॉप ही जा रहा है, तो काफ़ी कम लोग ट्राई करेंगे, आप लोग ट्राई करो, लेकिन अच्छा ऑप्शन हो सकता है, शायद खेलेगा ना खेले, खेले तो खेलेंगे तो ठीक है, वरना नहीं खेलेंगे तो फ्रेंड्स आप लोग केएल को ड्रॉप करो, फ्रेंड्स आप लोग ले सकते हो रहाणे को आपके लिए, या फिर कॉर्नवे को ले सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिलहाल ये मेरा टीम है गाइस, ये मेरा फाइनल टीम नहीं है, आपको फाइनल टीम मिलेगा टेलीग्राम पर, तो आप जाकर के मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।